दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमकॉम के बारे में। बात करेंगे कि एमकॉम क्या होता है, एमकॉम कितने साल का होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एमकॉम कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, फीस कितनी लगती है, एमकॉम करने के बाद आपकी जॉब पोजीशंस यानी कि जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एमकॉम के बारे में। एमकॉम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये एक मास्टर डिग्री कोर्स है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका कॉमर्स के फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि एमकॉम कितने साल का होता है, तो एमकॉम कोर्स 2 साल का होता है। इसमें टोटल 4 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं, तब आपको एमकॉम की डिग्री मिलती है। इस कोर्स को करने के लिए कम से कम आपको बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स पास होना ज़रूरी है। अगर आपने बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, तो आप एमकॉम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटीज़ BFIA, BBS एंड BBE या फिर जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, उनको भी एडमिशन मिल जाता है एमकॉम में। देखिए, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, उनको भी एडमिशन मिल जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, एडमिशन अधिकतर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में होता है मेरिट के आधार पर यानी कि डायरेक्ट एडमिशन। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, और उसमें जैसा आपका स्कोर रहता है उसी के बेस पर एडमिशन मिलता है। तो आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना चाहते हैं, आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको एडमिशन लेने में आसानी रहेगी। तो अधिकतर कॉलेजेस में मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल जाता है, और इसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है जिसके बेस पर भी एडमिशन मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें एमकॉम स्पेशलाइजेशंस की, तो एमकॉम स्पेशलाइजेशंस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है। एमकॉम टैक्सेशन, एमकॉम इकोनॉमिक्स, एमकॉम मैथमेटिक्स, एमकॉम अकाउंटिंग, एमकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमकॉम स्टेटिस्टिक्स, एमकॉम बैंकिंग, एमकॉम फाइनेंस, एमकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस, एमकॉम फाइनेंस एंड कंट्रोल, एमकॉम मार्केटिंग, एमकॉम ई कॉमर्स, एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट, एमकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप चाहे तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में आप एमकॉम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि एमकॉम कोर्स की फ़ीस कितनी होती है यानी कि एमकॉम करने में कितनी फ़ीस लगती है, तो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सटीक तरीके से दे पाना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज इस कोर्स की जो फ़ीस है अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अलग अलग होती है। इसलिए अगर हम बात करें कि एवरेज फ़ीस की, तो इस कोर्स की जो एवरेज फ़ीस है वो 8,000 रुपये से 2,25,000 रुपये तक हो सकती है, किसकी, एमकॉम कोर्स की। 2 साल का कोर्स होता है, टोटल इतनी फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है। डिपेंड करेगा कॉलेज पर या फिर यूनिवर्सिटी पर कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना चाहते हैं, आप उसके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर यानी इस कोर्स की फ़ीस के बारे में जानकारी ले लें। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एमकॉम करने के बाद आपकी जॉब पोजीशंस यानी जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं। एमकॉम करने के बाद आप अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के तौर पर, पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर बिजनेस एंड कॉरपोरेट एनालिस्ट के तौर पर, इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशंस मैनेजर का पोस्ट आपको मिल सकता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको राइट इन्फो वाला यूट्यूब चैनल के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप हर एक वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।